हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई गोइंग टू टीच यू चैप्टर 9 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स ए पार्ट आर ए फ्रैगमेंट, यानी कि फ्रैक्शन का अर्थ होता है एक भाग या एक टुकड़ा। फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ ए होल, फ्रैक्शन जो है पूरे का एक भाग होता है। जैसे ड्रा ए सर्कल, आप एक सर्कल ड्रा करेंगे और डिवाइड इन इट इंटू टू इक्वल पार्ट, इसको टू पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसका एक पार्ट जो है अगर हम कलर कर देते हैं यानी कि शेड कर देते हैं और दूसरा पार्ट जो है हमारा वैसे ही रहेगा, तो ये क्या है, दिस इज इन वन हाफ ए पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स इज टेकन। इसे हम कहेंगे कि पूरे पार्ट का जो वन पार्ट जो है शैडो है तो वन अपॉन वन बाई टू। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, अगर हम दूसरा सर्कल बनाते हैं और इसके हम थ्री पार्ट्स करते हैं, थ्री पार्ट्स करते हैं और इसका एक पार्ट हम कलर कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये चूंकि तीन भाग है और उसका एक पार्ट जो है कलर है, टू पार्ट्स ब्लैंक है, तो हम पहले जो पार्ट कलर है वो हमारा ऊपर हो जाएगा और जो बाकी है वन टू थ्री पार्ट्स वन बाई थ्री। या फिर जैसे अगर ये सर्कल है, इसके थ्री पार्ट्स हैं, हम इसके टू पार्ट्स कलर कर देते हैं और एक पार्ट्स ब्लैंक होता है, तो हम इसे जो टू पार्ट्स कलर है उसे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे ब्लैंक पार्ट, तो इन तीनों को हम काउंट करके टू बाई थ्री। ये फ्रैक्शन है। यदि हम एक का जो है सर्कल के चार पार्ट करते हैं, उसका एक पार्ट कलर करते हैं, तो चूंकि इसका पूरा जो है फोर है तो हम और वन जो है शैडो है तो वन ऊपर कर देंगे और नीचे फोर वन बाई फोर। नेक्स्ट, राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो पार्ट होते हैं, तो इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वह उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो पार्ट नीचे होता है उसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। जैसे पहला है टू अपॉन फाइव, तो ये टू जो है ये न्यूमरेटर है और फाइव जो है डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है, तो अगर हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग करके लिखना है तो हम न्यूमरेटर टू एंड डिनोमिनेटर फाइव। नेक्स्ट है सिक्स अपॉन सेवन, सिक्स बाई सेवन इक्वल टू सिक्स जो है न्यूमरेटर है और सेवन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऐसे। नेक्स्ट है
नाइन बाई थर्टी। तो नाइन जो है न्यूमरेटर है, और थर्टीन डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट है एट अपॉन एट बाई फिफ्टीन। तो एट जो है न्यूमरेटर है, फिफ्टीन डिनोमिनेटर। ओके हम अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि ऊपर का पार्ट को हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ओके तो पहले हम देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद फिर अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन जो है, पहले लाइक फ्रैक्शन देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस के सारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सबका एक ही है, तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल्स कर देते हैं, टू अपॉन नाइन, थ्री बाई नाइन, फोर बाई नाइन, फाइव बाई नाइन। तो इसमें क्या है कि न्यूमरेटर सबका अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका एक जैसा है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि जिस फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स अलग अलग होता है, यानी डिनोमिनेटर्स में अंतर होता है, वह हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, वन बाई टू, वन बाई फोर, थ्री बाई एट, फाइव वन सेवन एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। इसके बाद आप लोगों को आगे फ्रैक्शंस के बारे में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सब बताया जाएगा। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए, और इसे जो होमवर्क दिया जाएगा आप लोग उसे सेल्फ करके होमवर्क सेंड करेंगे। ओके थैंक्स।